गुड मॉर्निंग एवरीवन, जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं 16 जुलाई 2021 से डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना है, जो इंटरनेशनल दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग अवश्य ही देखें और उसे जाने भी इसमें क्या हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है अफगानिस्तानी सीमा चौकी पर किसने किया कब्जा, साथ ही मिले 300 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अफगानिस्तानी सीमा चौकी पर जो है अभी किसी ने हमला किया है। ठीक है, कब्जा करने के साथ साथ उन्हें 300 करोड़ रुपये मिले हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है पाकिस्तानी तालिबान या फिर अफगानिस्तानी तालिबान या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये अफगानिस्तानी सीमा चौकी पर अफगानिस्तान के ही तालिबान जो हैं, ठीक है, उन लोगों ने हमला कर दिया और जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा है, ठीक है, उस पर जो चौकी बनी हुई थी अफगानिस्तान की मेन चौकी, उसी को अपने कब्जे में कर लिया है। ठीक है, उसी को अपने कब्जे में कर लिया है और वहाँ पर जो चौकी पर मतलब छापे में देख मतलब वहाँ पर जब कब्जे में 300 करोड़ रुपये मिले हैं तो वो इसमें सभी रख लिए हैं मतलब तालिबान ने। ठीक है, और पूरा चौकी पर कब्जा हो गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते कौन सा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, देश का पहला अनाज एटीएम कहां शुरू किया गया है। तो देश का पहला अनाज एटीएम कहां शुरू किया गया, तो ये गुरुग्राम हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ये गुरुग्राम हरियाणा में देश का पहला अनाज एटीएम शुरू किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सोबराना टू दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने वाला देश कौन सा बना है। तो सोबराना टू दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने वाला देश कौन सा है, तो देखना है नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या क्यूबा। तो क्यूबा इसमें हमारा सही हो जाएगा। सोबराना टू दुनिया का पहला संयुक्त कोविड-19 वैक्सीन जो है ये क्यूबा ने विकसित किया है। क्यूबा को विश्व का क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा। ठीक है, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को ही कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा बना हुआ है, किसने अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांगों को नौकरी देने की घोषणा की है। तो किसने अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांगों को नौकरी देने की घोषणा की है, तो ये मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान, उड़ीसा। तो यह गुजरात सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांगों को नौकरी देने की घोषणा की हुई है। ठीक है, किसने किया है, तो ये गुजरात राज्य सरकार ने किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं इसके बारे में। तो किसान सूर्योदय योजना कहाँ चल रही है, गुजरात में चल रही है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये गुजरात में किया गया। सुजलम सुफलम जल संचय अभियान कहाँ चल रहा है, तो ये भी गुजरात में चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सेलमेंटर प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, तो ये भी गुजरात में चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है। वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है, तो अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अनुराग ठाकुर हैं। तो ये नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो भी अंतर्राष्ट्रीय माध्यम से बैठकें होती हैं, जैसे सार्क वगैरह की, जिसे ठीक है, जो भी बैठकें होती हैं वो इसी सेंटर में हुआ करेंगी। ठीक है, तो इसी के लिए ये बनाया गया है, ये सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। इसमें जो भी इंटरनेशनल माध्यम से या राष्ट्रीय माध्यम से जो भी बैठकें संयोजित होगी वो इसी माध्यम में होंगी। ठीक है, और इसका आकार जो है ये शिवलिंग के आकार का रखा गया है। ठीक है, इस कन्वेंशन सेंटर का जो आकार बनाया गया है वो शिवलिंग के आकार का बनाया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है, मेघालय, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कर्नाटक राज्य ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की है। ठीक है,
नेक्स्ट जब देख लेते हैं इसके बारे में, तो निकारा सम्मान योजना कहाँ चल रही है, तो ये कर्नाटक में चल रही है। फिर है एप्त मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप, ये कहाँ है, कर्नाटक में चल रहा है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णा सागर बांध ये ठीक है कावेरी नदी पर बन रहा है, ओके बना हुआ है मतलब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हुआ है, तो ये कहाँ के राष्ट्रपति थे पूर्व, तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या ईरान, तो ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हुआ है। ये आज़ादी से पहले भारत के मूल निवासी थे, इनके जो पूर्वज थे वो कहाँ चले गए थे, तो वो सब चले गए थे पाकिस्तान, तो इसलिए ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, तो ये है पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा हाल ही में 2021 की पहली छमाही में चीन भारत व्यापार कितने प्रतिशत तक बढ़ा है, तो पहली छमाही में चीन और भारत का व्यापार 56% बढ़ा है, या 60.7%, या 45%, या फिर है 40%, तो इसमें 60.7% हमारा जो छमाही जो व्यापार है बढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा उर्दू पोएट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक किसने लिखी है, उर्दू पोएट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह J.S. एफ्तेखार हैं, या फिर खेमलता बखलू, या फिर हैं बाल कौतुक नाइट, या इनमें से कोई नहीं, तो J.S. एफ्तेखार हैं जो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। देख लेते हैं, तो एक कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लैग्स नामक पुस्तक जो है ये खेमलता बखलू के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक है द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक, ये बाल कौतुक नायर के द्वारा लिखी गई है, इसमें सिर्फ टैटू बने हुए बच्चों की पुस्तक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा BCCI ने घरेलू क्रिकेट के लिए वर्किंग ग्रुप का गठन किया है, तो BCCI ने घरेलू क्रिकेट के लिए वर्किंग ग्रुप का गठन किया है, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं इसके बारे में देखना है, तो इसमें 8 होते हैं, 7 होते हैं, 10 होते हैं, या 12, तो इसमें 7 सदस्य होते हैं, तो BCCI ने घरेलू क्रिकेट के लिए वर्किंग ग्रुप का गठन किया है जिसमें 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो सौरभ गांगुली हैं, और सेक्रेटरी जनरल हैं अमित शाह के बेटे जय शाह, ओके अमित शाह के बेटे कौन हैं, जय शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा बना हुआ है, लद्दाख प्रशासन ने जैविक खेती की तकनीकी विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो लद्दाख प्रशासन ने जैविक खेती के तकनीकी विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये इजराइल के साथ में, अमेरिका के साथ में, जापान या सिक्किम, तो ये लद्दाख प्रशासन ने जैविक खेती की तकनीकी विकसित करने के लिए सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं, तो सिक्किम में 2016 में ऑर्गेनिक खेती करने वाला पहला राज्य बना था, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप बना हुआ है, ठीक है, पहला यूएन टेरिटरी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा बना हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है, किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, या राजस्थान, तो राजस्थान राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया हुआ है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टील बनाने के लिए उपयोग होने वाले कोकिंग कोल पर सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है, तो भारत ने किसके साथ समझौता किया है, रूस के साथ, अमेरिका के साथ, भारत के साथ, या जापान के साथ, तो ये रूस के साथ में समझौता किया है भारत ने, ठीक है, किसके लिए, स्टील बनाने के लिए उपयोग होने वाला कोकिंग कोल के सहयोग के लिए, ठीक है, भारत ने रूस के साथ समझौता किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन बाय ये देवी कम्सा क्लासेस, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी इसे फॉरवर्ड करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।